करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, और जो भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं जो भी आपके इस पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और डिटेल कुछ क्या क्या इसका है और क्या क्या बिल आपको बिल देखने के लिए मिल जाएगा और कहाँ बना है, और बॉक्स कुछ इस तरह से जिससे बड़ा बड़ा आपको साइकिल देखने के लिए मिल जाएगी, उस पर आपको लीडर बाइसिकल वो साइकिल देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी इसे करते हैं अनबॉक्सिंग, चलते हैं करते हैं अनबॉक्सिंग और आ जाऊंगा। सबसे पहले इसका बंद करते हैं यार, बॉक्स जो है इसकी पैकिंग जो है बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, तो रिबन हमने काट दिया है यार। पैकिंग दोनों ने जो भी है फ्लिपकार्ट वालों ने बहुत अच्छी दी है यार, इसमें तो खोलने में टाइम लग जाएगा। लेकर आना यार हमने लिए कुछ इस तरह से, मैं पता था यार। सबसे पहले इसमें हमें एक बॉक्स रखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर कुछ टूल होंगे जो इसे जोड़ने के लिए, एक इसके अंदर मुझे लगता है कि सेट होगी, बाकी जो चलो अभी तक खोल के देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसे बाहर, या इसका टायर ठीक है देखने में तो खैर फिट है, अभी मैं खोलो इसे, एक काम करो इसे बाहर निकालो ऐसे ही, हाँ और हम जरा निकालना चाहते हैं यार। वेट की बात करो तो इसका वेट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो अभी हम करते हैं इसे टुकड़ों में, या तो सबसे पहले खोल के देखते हैं, बाकी इसके साथ हमें जो मिला है यार इसका आपको नजर आ रहा होगा, इसको टिक लगा हुआ है जो कि हमें जो बॉक्स के अंदर मिला हुआ है, तो फिर जो भी इसके अंदर है फिलहाल उस पर सब फिट टिक है। सबसे पहले मैं बॉक्स खोल के देखता हूँ इसके अंदर, इसके अंदर कुछ इसके टूल्स है और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर इसे एक साइड रखते हैं, और कुछ स्कैन करने के लिए अगर आप कुछ मॉडल देखना तो स्कैन करने के लिए सबसे पहले मिल जाती है हमें इसके लिए शीट। यार इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी है, देखो भाई इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और सबसे पहले मिल जाती है कुछ इंडिकेटर बैक के लिए और फ्रंट के लिए, बोतल पानी की बोतल किसी जगह फिट करते हैं, और इसका जो पानी पीने के लिए ठीक है, और बाकी इसको मिल जाते हैं हमें इसके टूल्स जिसे हमें पूरी साइकिल को असेंबल करना है, तो हैंडल के लिए और बाकी जो चीजों के लिए मिल जाता है आपको, ये जो हमें मिला है बॉक्स और बॉक्स के अंदर ये चीजें हमें मिली है। अब करते हैं इसे एक नाइफ हो जाएगा, काट लो से यहाँ से जुड़ा हुआ है यार। ये यार एक जो है ये हमें जो एक टायर मिला है वो अलग मिला है, और बाकी एक इसके अंदर जुड़ा हुआ है जो कि हमारा जो सेवन गियर है वो इसमें लगा हुआ है, जो हमें अभी इसे लगाना है कुछ पैंडल जो कि ये भी हमें करना पड़ेगा, तो हैंडल अलग मिला है इसे जोड़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तो इसके सबसे पहले कर लेते हम बैठिंग। यार अभी देखो फिलहाल बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि अभी इसमें काफी काम बाकी है, तो अभी फिलहाल छोटी लग रही है, और साइज वगैरह भी इसका फिलहाल अभी ठीक लग रहा है, लेकिन अभी हम इसे करते हैं पूरा तो उसके बाद पता लगेगा कि हाँ कि कितना बड़ा साइज इसका। पहले ये लगाना है
इधर पीछे कर इस अंदर वो है फ्लिपकार्ट वालों जो पैकिंग दी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी की है। देखो इसे जो ना फिलहाल इधर पहुंच जरा लाइट नहीं पड़ रही इसे फिलहाल इसे जो ना बराबर करना पड़ता है यार। मैं भी ना फर्स्ट टाइम जोड़ रहा हूँ ये जो इसके अंदर है ना ये बराबर आपको आसानी से चला जाए जो भी आपको फिर एलन की होगी यार इसके अंदर की मिली है जो कि हमें घुमाना बहुत ही ज्यादा आसान है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली और टाइट हो गया थोड़ा कोई दिक्कत नहीं बस ये घुमाना पड़ेगा यार ये हमारा हो गया फिट हो गया बस ठीक है अब ये लगाना इसका ना यार मुझे लगे से उल्टा करना पड़ेगा गद्दे पे लगेगी ना मुझे लगता है कि गद्दे की क्वालिटी हो गई अरे हाँ यार अरे यार लेके कैमरा यार जो हमारी सेट का ना वो इसके अंदर चला गया और अब ये निकला है कैसे इसे यार वो पता क्या हुआ जिसमें सेट लगा रहता है ना यार वो जो लगा रहता है एक पाइप सा होता है यार वो उसके अंदर चला गया तो पलटना पड़ेगा उसे निकालने के लिए यार मेरा माइंड चले गया आ गया यार ये निकल चुका है तो इसे निकाल लेते हैं और इसके जो सीट है ना अलग से जोड़ते हैं एक ये मिला है जैसे हम सीट से वो कर रहे सेट और बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि ब्रेक टाइट करना और हैंडल टाइट करना उसके लिए ये दिया गया है तो दादा नहीं चली इतना ठीक है ये रुके गो यार ये हमारी फिट हो गए तो अब यार ये ऊपर अंदर जाता रहता है तो इससे बेटर है कि इसे थोड़ा ज्यादा टाइट कर लें ताकि कहीं पर आपको प्रॉब्लम ना हो और बाकी अब इसका टायर रह गया तो इसे पलटते हैं अंदर पहले इसका लगाते हैं ना पेंडल लगा इसकी वो क्या नाना वैसे रहेगा दिखाना चाबी तो हो गई बाद में होगा करेगा सर पता क्या देखो
अरे उल्टा तो नहीं लगा है? यार इसे फिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, दो चीजें फिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये हमसे फिट नहीं हो रहा है, दूसरी बार ये फिट नहीं हो रहा है, ये तो बड़ी मुश्किल से फिट हुआ है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है सेट करने में। और बाकी यहाँ पे देखा जाए तो साइकिल में ज्यादा काम करने के लिए कुछ नहीं देते, बस हमें जो सबसे मुश्किल काम है वो टायर फिट करना है क्योंकि यार उसमें, लेकिन फिलहाल जो भी यार मुश्किल तो है सेट करना। यार धीरे धीरे साइकिल जो ना सेट होती जा रही है, वैसे वैसे उसका साइज थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, फिलहाल अभी तो छोटा साइज आ रहा है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास एक टायर फिट नहीं होगा जब तक कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल अभी छोटा साइज आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा काम और बाकी, हमें यहाँ का जो एक मरघाट होता है वो भी लेना है और जो एक आगे मरघाट होता है, दो चीज हमें इसमें नहीं दी गई है, बाकी सब कुछ है, बस दो चीज की कमी है तो हम बाहर से खरीदते हैं, फिलहाल हमने ऑर्डर नहीं की थी। यार इसका ये पैनल अंदर बैठने लगा बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था बैठाना, कम से कम मेरे को इसे 10 मिनट लग चुकी है तो गिर रही है, तो चलो इसका टायर छोड़ दें और चलो इसे बैठा दें। यार अगर मैं इसके वेट की बात करूंगा कितना वेट होगा, कम से कम 20 किलो 20 किलो के इसका वेट होगा। यार बहुत मुश्किल है यार जोड़ना, मुझे लग रहा बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन यार फ्लिपकार्ट वाला अगर जोड़ के दोगे तो बेटर है, तो इसे रखते हैं टाइट। जो सबसे मुश्किल काम है यार यही है, ये उसके अंदर जाएगा क्या? ये मुझे लगे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या होगा? देखो उसे लोगे उसे उठाओ यार, ये एक्स्ट्रा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो समझे भाई ये वैसे का भी भागना भागना इधर उधर कोई क्या साइकिल ये रोक नहीं है ये यहाँ रखने रखा जाता है, हो सकता है तुम वीडियो करनी पड़ेगी टाइम जोड़ने के लिए, नहीं वीडियो देखो मेन तो ये देखो इतना लगाओ मुझे लगता है, देखो देखो कितने बोल्ट है इसमें, बोल्ट कितने ये तो पहले क्या करूँ यार, ये इसमें कुछ चाबी दी गई है, ये यार इसमें कुछ चाबी दी गई है, पता कैसे फिट करना है यार दिखाना एक बार, हमने कैसे फिट किया यार, ये इधर से जाता है और ये इसमें एक छोटा सा लॉक दिया गया है जो कि इसमें इस तरह से रखा जाता है, और बाकी हमें एक बोल्ट दिया गया है, तो यार ये है मुझे लग रहा था जो सबसे भारी काम है ये है इसे फिट करना, लेकिन ठीक है ये सबसे जल्दी लगा है, और बाकी थोड़ा प्रॉब्लम हुई है थोड़ा पैंडल में खुल गई कि हमें सेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लेफ्ट और राइट का इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो अब साइकिल हमारी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। यार जो मुझे लग रहा था ना कि साइज बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, क्योंकि इसका एक बॉक्स भी थोड़ा सा ठीक था और जो हमें जोड़ने में थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन इसका जो साइज है वो एकदम परफेक्ट हो चुका है, और इसमें ये अगर कुछ मॉडल वॉडल देखना चाहते हो तो ठीक है, साइज बहुत ही प्यारा है, साइज ठीक है, इसका जो ये है तो मैं टाइट करवा रहा हूँ, एलन की पड़ी होगी इधर की साइड पे करनी होगी यार, इसके साथ जो दो टूल्स आए हैं और दो टूल से यहाँ पे ये पूरी साइकिल जो है हमारी असेंबल हो जाती है, जो ब्रेक ब्रेक है वो छोटे उससे है एलन की से होते हैं, और जो आपको सीट को करनी है या पैंडल लगाने तो आपको बड़ा वाला जो टूल्स है वो यूज करना पड़ता है,
ज्यादा मुश्किल नहीं हुई लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया क्योंकि यार हमने पहली बार इसे असेंबल किया, तो ठीक है अब इसका हमें एक्सपीरियंस देखना है कि कैसा है, चलाने में कितना मजा आता है, ये आपके लिए ठीक है या नहीं है। मैं उसका रिव्यू जो था वो बाद में दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हमें हो गया। ओके ये वो चीज है, देखो ये बढ़िया है, खाली में जस्ट ये निकाल लो, ये फैन मारेगी क्या इसके, और इसमें दोनों जगह दी गई है, ब्रेक की भी जगह दी गई है, एक बार दिखाना यहाँ आप अपना न्यू ब्रेक लगा सकते हैं, अगर आपकी ये डिस्क काम नहीं कर रहे तो आप ब्रेक लगा सकते हैं, आगे भी जगह दी गई है, देखा इसमें आगे भी ब्रेक की जगह दी गई है, तो आप यहाँ पे ब्रेक अपना सेट करा सकते हैं। यार मुझे लगता है कि उल्टा तो नहीं हो गया ये पीछा कैसे ही दिखे। यार एक बात तो देखो, सुनो मेरे ये इसमें यार हमें कंफ्यूजन है कि हमारा ब्रेक जो था वो उल्टा तो नहीं हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उल्टा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उल्टा है क्योंकि यार ये हमारे हमने थोड़े जोड़ी है, पहले से जुड़ा हुआ है ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, हमने उसे टायर लगाया ना, अगर हम टायर ये करते तो इसका डिस्क इधर चला जाता है, सही बात है, लग नहीं रहा यार इसके ये उठा देते हैं प्लस लेकिन बट मुझे कुछ लग रहा है कि ना कि चलाने के वास्ते तो जाएगी, ना कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, फिलहाल अभी हमारा साइकिल से असेंबल हुई है, तो देखने में कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक और ऑरेंज है, और सबसे जो बेस्ट इसमें मुझे लगा है ना ये यार इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, और ब्रेक अलग से लगा सकते हैं उसमें, आप अपना अलग से आगे ब्रेक लगा सकते हैं। और अब हम करते हैं पानी पीने वाली जो बोतल होती है, अगर आप थक गए हो तो आप पानी पीने के लिए आप बोतल लगाना बहुत जरूरी है, तो बोतल फिक्स करते हैं, बाकी तो हमने सब फिक्स कर लिया है, बस बोतल बाकी है तो बोतल भी लगा देते हैं। यार देखने में तो बहुत अच्छी लगी बट इसका जो हमें एक्सपीरियंस है वो थोड़े दिन चलाने के बाद पता चलेगा, जो टायरों में थोड़ी हवा कम है यार, फ्लिपकार्ट वालों कम से कम बंदे को परेशान तो न करो, तो हवा डलवानी पड़ेगी फिलहाल अभी हमें, और दोनों में टायर में हवा थोड़ी कम है तो हमें जाना पड़ेगा अभी, बाकी हमने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो हमने ना करा उसके अंदर, बाकी अब देखते हैं कि चलाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा होता है, और उसका रिव्यू मैं सबसे वीडियो में लास्ट में दूंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यार ये पीछे गिर रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा, अरे वो सही है, क्या पता कहीं से काम में तो खोल लो मैं जो मुझे आ गया मैं क्या क्या हमसे गलती, सबसे बड़ी गलती हमसे पता क्या हुई है, हमें ये जो कंफ्यूजन था ना कि यार सबसे बड़ी गलती हमें ये हुई है, जो हमारी साइकिल में जो हैंडल था ना वो यार ये इधर से घूम गया है, तो हमें पता नहीं चला, हम ये सोच रहे कि यार ये डिस्क इधर आया कैसे, तो यार हमें अब दोबारा से हैंडल भरना पड़ेगा, फिलहाल अभी हम इसका ये कर लेते हैं, पानी की बोतल फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि यार अगर प्यास लगी तो काफी काम आने वाली है, और बाकी यार मुझे जो उसमें दिखाया गया था तो उसमें शमायरा का जो गियर था वो मुझे फिलहाल देखने के लिए नहीं मिला, और आपको इसमें लीडर का गियर देखने के लिए मिल जाएगा, और इसका मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा काम करने वाला है डिस्क, और बाकी हमने काफी दिक्कत हुई तो अभी इसे हम दोबारा से इसे गिराने वाले हैं। यार इसका जो हैंडल था ना यार, हमें जो कंफ्यूजन था वो ये जो इसका ये हैंडल होता है जो सस्पेंशन था ना यार वो घूम गया, तो अब ब्रेक जो थे हमारे उल्टे हो गए, तो अब इसे यार मुझे लगता है ये आपको ये निकालना चाहिए, टायर नहीं टायर तो घूम जाएगा, मुझे लगता है हैंडल घुमा, हैंडल खोल लो, हैंडल घूम के हैंडल जो था घूमने के बाद ये हो जाएगा, क्या कहते हो, मुझे लगता है ये जो है मतलब हैंडल घूमेगा तो ये आराम से घूम जाएगा, हैंडल निकालना पड़ेगा यार इसका, हमें दोबारा से यार हैंडल निकालना पड़ेगा,
तो यार इसे काफी मेहनत कर रही है यार, काफी मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पे हमारे यार देखो यार कितने गंदे पड़ चुके हैं। क्या अच्छा अच्छा ठीक है, उसे भी फिट कर लेंगे। हैंडल खोल दे यार यहाँ से। यार एलन की कहाँ यार? यार साइकिल हमारी रेडी हो चुकी है। एलन की यार ये एक्स्ट्रा आता है। एलन की कहाँ है? अरे एलन की, एलन की हाँ ये वाली यार, ये यार ये एलन की भाई। यार ये हमें जो कंफ्यूजन था ये अब हमें घुमाना पड़ेगा यार। हाँ घुमाना पड़ेगा हैंडल ना। निकल जाएगा यार इसे, जितना हम उसे लूज करेंगे तो हमारा हैंडल वैसे ही निकल के आ जाएगा। और इसका थाम थाम होता अच्छा लग रहा है, आ जाएगा बस। ओके ताऊ देर बोल क्या, तुमने ज़्यादा ढीला कर दिया मुझे लग रहा हूँ। हैं अभी फिट बैठेगा भी नहीं बैठेगा, पहले वो देखना पड़ेगा। अब ठीक है मुझे लग रहा है, तुमने जो ना पूरा खोल दिया, ये पूरा नहीं खोलना। फिट बैठ जाएगा अंदर जाके, वो पहले निकालना तो उन्होंने पूरा खोल दिया। मुझे लगता है कि इसके अंदर रह गया, उल्टी करके निकालनी पड़ेगा। यार ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है यार हमारे साथ, जो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अपने हैंडल का पूरा खोल दिया तो उसका जो वो होता है ना जॉइंट जो होता है वो नीचे बैठ गया, और इसे अब हमें पलटना पड़ेगा। चल पलटना पलटना थोड़ी मेहनत है। आ गया आ गया यार ये। यार थोड़ा सा हमसे जो थी वो साइकिल जो ना यार थोड़ा उसका जो ब्रेक था वो एक साइड बैठ गया था, तो यार अब इसे हैंडल दोबारा खोल के दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी। यार इसका ये जो देता है कि हाँ कि हैंडल सेटिंग के लिए, ये ऐसे नहीं, ये पता क्या है, अरे दिखाओ ये पकड़ना रहा, इधर इधर बेहतर नहीं अंदर अरे ये ना ऐसे दिखाना वो कहाँ है, ये ऐसे चलो चलो। ये इस जॉइंट को जो है ना बराबर करके डालना पड़ता है, तो हमने दूसरी बार किया है यार। मुझे इस पे ब्रांडिंग जो होती है वो थोड़ा घटिया क्वालिटी का लग रहा है, और बाकी अगर आप इसे स्क्रीन शॉट लेकर सर्च करना चाहते हो तो आपको सारे मॉडल देखने के लिए मिलेंगे। यार डब्बा तो बहुत मंगवा है, बैठ सकता है आदमी। चलो यार अब इसके हम टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के फिलहाल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यार ये इसका, ये इसके डिस्क है, और जो कि मुझे थोड़ा अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं, और बाकी आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, पानी की बोतल देखने के मिल जाएगी। अगर आप अलग से ब्रेक लगवाना चाहते हो तो इसमें आराम से आप ब्रेक भी लगा सकते हैं, अगर क्योंकि यार ये डिस्क जो है थोड़ा प्रॉब्लम करने लगते हैं। बाकी इसका जो ये सेवन गियर है, एक दो तीन चार, आपको सेवन गियर देखने के लिए मिल जाएंगे फिर भी ठीक है। और बाकी ये सेफ्टी के लिए, ये इधर का नहीं है, ये इधर का है, अच्छे इधर की है, और ये आपको सेफ्टी के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी पैंडल हमें लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, क्योंकि हमें कम से कम 15-20 मिनट इधर सेटिंग करने में लग चुके हैं। और एक पानी की बोतल और आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अभी फिलहाल हमसे ख़राब हो गया, तो थोड़ा सेटिंग करने में टाइम लग गया। आपको हवा की बात करूँ तो इसे डलानी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी, और हमसे जो एक टूल्स है वो रह चुका है। यार ये ऊपर से डलता है, फिलहाल मुझे नहीं लगता
अरे हाँ, अरे आगे भी तो फिट होता है ये रहेगा, करो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा भाई, नीचे से फिट होगा, नीचे से, हाँ ऐसे जाएगा, अरे उल्टा उल्टा, अरे तुम वहाँ ऐसे, हाँ ऐसे ही यार, ये आसानी से फिट हो जाता है। अरे ये इसमें लगता, चलो तो ये किसी काम का नहीं है, कहाँ लगाऊंगे मैं, ये भी ठीक है, ये लगाओ क्या है यार ग्रीन, अरे रेड वाला लगाओ पीछे, पहले आगे होता रेड, रेड पीछे रहता जब लाइट जलती है, ब्रेक मारते हैं तो आगे भी तो ब्रेक लगते हैं, आगे लाइट वाइट रहता है यार, वाइट रहता, अरे सही आगे रेड है, हां क्यों आगे रेड हो रहता है यार, मैंने देखा था कि आगे रेड होता है यार, वो सही चक्कू नहीं फटाओ, सही है सही, इसको सेटिंग करनी यार, इसे सेटिंग करने के लिए, और अभी फिलहाल ये लगाने के लिए हमें पूरी स्ट्रीट निकालनी पड़ी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से आप फिट कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आपको कुछ करना है तो, हमने काफ़ी बार ये निकाल चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सामान इसके अंदर भूल चुके थे, फिलहाल अब दोबारा निकालने के लिए कर रहे हैं, और बाकी आप साइकिल देख सकते हो, ये पूरी तरह से हमारी फिट हो चुकी है, बस थोड़ी प्रॉब्लम हुई है जो कि अब चलाने के लिए, अब इसका जो एक्सपीरियंस देखते हैं, हमने काफ़ी देखा है, लेकिन फिलहाल जो हो गई, हो गया, हो नहीं, रेड पीछे होता है क्या यार, सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमें यही हुई कि हमें ये नहीं पता कि रेड आगे होता है या पीछे होता है, हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि रेड आगे होता है, वाइट पीछे होता है भाई, फिट कर दो साले को वाइट को ही, हो गया यार, साइकिल कुछ देखने में इस तरह से लग रही है फिलहाल, अगर मैं स्लो से लूँ तो यार 7000 में, अगर मैं बोलूं कि आपको 7 गियर मिल रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छी साइकिल मिल रही है तो 7000 के मुकाबले पे ठीक है, और इससे सस्ते में आपको 7 गियर मिलेंगे नहीं, और दोनों तरफ देखा जाए तो डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और बैठ अगर देखा जाए तो यार पीछे से मुझे साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, क्योंकि उसमें 7 गियर दिए गए और पीछे की तरफ आपको डिस्क देंगे तो थोड़ी सी हैवी सी लग रही है, और फिलहाल अभी यहाँ पे हमें जो उसका मरघाट होता है वो एक हमने ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी अभी हमें लेना पड़ेगा आगे के लिए, एक मरघाट लेना पड़ेगा फिलहाल, चलो वीडियो करते हैं अभी फिलहाल यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं एक्सपीरियंस के बाद, जब तक के लिए बाय बाय। तो मैंने साइकिल मंगाई थी, मेरे को पड़ी थी 7000 की, मैंने आपको बताया था वीडियो में, इसका 7000 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये मेरे पीछे नज़र आ रही है, और थोड़ी सी मुझे थोड़ा हल्की लग रही है क्योंकि 7000 में फिर भी ठीक है, जो इसका गियर बॉक्स मुझे लगा था वो शिमारो का, कंपनी ने उसमें जो शो कर रखा था फ्लिपकार्ट पे, वो शिमारो का शो कर रखा था, लेकिन फिलहाल ये लीडर कंपनी का है, और इसमें आपको लीडर कंपनी का ही गियर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि 7 गियर है, तो चलाने में तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद में फिर एक वीडियो डालूंगी इसका, एक महीने बाद या दो महीने बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन फिलहाल अभी मुझे इसे चलाने के बाद थोड़ा सा ठीक रहा, एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा था, तो डिस्क है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसे आपको एक बार सेटिंग कराने के बाद आपको एक बार मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ती है ताकि इसकी अच्छे से सेटिंग हो जाए, तो मुझे एक बार जाना पड़ा, और बॉटल जो थी वो मैंने निकाल के रख दी है, और बाकी जो इसका एक डिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, चलाने में थोड़े से बस थोड़ी हल्की है, लेकिन बट सब कुछ इसका अच्छा काम कर रहा है फिलहाल, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको जो जरूरत पड़ेगी वो 3 या 4 में आप चलाते रहते हैं तो आपको नॉर्मली लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको इसमें 7 गियर दे रखे तो आप गिन सकते हैं, तो आपको ज़्यादा 3 या 4 में या 2 में आपको ठीक लगता है तो आपको काफ़ी अच्छा वर्क देखने के लिए मिल जाएगा, और बाकी आप देख सकते हैं यार सबसे अच्छा इसका कलर है, और एक यही अवेलेबल था तो मुझे यही मंगाना पड़ा, और इसका ये नहीं आता, ये आपको अलग से लेना पड़ता है, और बाकी आप देख सकते हो लुक काफ़ी अच्छा है, सात हज़ार के हिसाब से बस थोड़ा मुझे जो इसका जो वेट लगा है वो थोड़ा हल्का है, बाकी आप देख सकते हो।